श्री मोदी ने ईपीएफ टैक्स मामले में वित्त मंत्री से निवेदन किया है कि इसको लेकर जो नए ऐलान किए गए बजट में उनको वापस लिया जाए, नियम में बदलाव किया जाए। ईपीएफ की 60% निकासी पर टैक्स लगाया गया था, इसी बजट में इसका ऐलान किया गया था, जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा था और कई सवाल उठाए जा रहे थे। बात करते हैं नैनियो संवाददाता संजय शर्मा, हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। संजय जी, अब उम्मीद की जा सकती है कि लाखों करोड़ों जो इम्प्लॉयज हैं उनको राहत मिलेगी? जी हाँ मैत्री, देखिए जब से आम बजट पेश हुआ था उसी दिन से सरकार की किरकिरी हो रही थी इसी ईपीएफ पर टैक्स लगाने के नाम को लेकर के। सबसे ज्यादा विरोध खुद आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए भारतीय मजदूर संघ ने किया था कि एक व्यक्ति को एक ही सैलरी पर दो बार टैक्स क्यों देना पड़ेगा। इस विरोध के कारण में जबरदस्त किरकिरी हुई थी सरकार की, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, कोई डिपेंड नहीं कर पा रहा था सरकार को, वित्त मंत्री को, और अल्टीमेटली फाइनल बॉल ऑफ कोर्ट में चले गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी ने साफ निर्देश दे दिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को कि आपको ईपीएफ वापस लेना होगा। बिल्कुल, तो ये अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने खुद ही वित्त मंत्री से इसको लेकर बात की और ऐसा कहा है कि इस नियम में बदलाव किया जाए।